हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। पुरानी पेंशन योजना पे कुछ अपडेट्स हैं, इसका कुछ रिव्यू है, मैं उसका करने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, है क्या कि तीन मॉडल अभी मेरे सामने आए हैं। पहला है ओपीएस पुरानी पेंशन योजना, जिसकी बहाली सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज चाह रहे हैं, और लगभग कई सारे स्टेट्स में ये लागू हो गया है। फिलहाल अभी मैं देवसर स्टेडियम में हूँ। After my ACL, I came here for first time and I will also be playing cricket after 6 to 7 months or by next year and actually I play good cricket। तो दोस्तों, है क्या ना कि जो पुरानी पेंशन बहाली है OPS, इसमें 50% का प्रावधान रहता है, 50% जो आपका लास्ट विदड्रॉन सैलरी है उसका मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ जो आंध्रा मॉडल है, जिसकी बात बहुत सारे और लोग कर रहे हैं और बहुत सारी स्टेट्स कर रहे हैं उसे इम्प्लीमेंट करने का, तो आंध्रा मॉडल में क्या है कि आपका जैसे NPS कटता है वैसे रुपए कटेगा, जो कि आपको कभी मिलेगा नहीं, और उसी का आपको लास्ट में जो विड्रॉन सैलरी रहती है उसका 50% आपको मिलता है। ठीक ना, तो मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा अच्छी स्कीम है नहीं, क्योंकि आपका जो कॉर्पस है मे भी कोई ज़्यादा जमा हो जाए, और जो आपको उस टाइम पे जो पेंशन हाइक हैं, जो आपका मूल वेतन सैलरी है हाइक है, वो न के बराबर किया जाए, तो इससे आपको नुकसान बहुत ज़्यादा होने वाला है। दूसरा है कि मिनिमम पेंशन स्कीम, जो कि अभी राज्य हाल ही में बात करें, जो कमेटी एक बनी है बाय केंद्र सरकार, तो उसमें भी ये राय मांगेगी, तो कई सारी स्टेट से बोल रहे हैं कि हम लास्ट विद्रॉन सैलरी का हम पेंशन न दे के, अगर हम मूल जब वो प्रारंभिक उनका वेतन रहता है उस पर अगर करें, क्योंकि समय मान के हिसाब से, जिस हिसाब से पे कमीशन आता है, अगर उनकी मूल सैलरी भी बढ़ाई जाती है तो वो सफिशियंट रहेगा। OPS का मॉडल रहेगा, 50% सैलरी ही मिलेगी, लेकिन लास्ट विद्रॉन सैलरी पे नहीं, बल्कि इनिशियल जो वेतन रहेगा उस पर पेंशन मिलेगा। तो देखिएगा दोस्तों, ये ओवरऑल तीन ऐसे मुद्दे हैं। देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, अभी हाल ही में सबसे बड़ा मुद्दा फिर भी बन गया है। कई सारी स्टेट्स हैं जिन्होंने पुरानी पेंशन बहाल की और कई सारे उन्होंने नहीं की है। तो देखिएगा है क्या कि ये तीन मॉडल हैं, और जो स्टेट्स लाइक राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल, पंजाब, यहाँ पे पुरानी पेंशन लागू है। पश्चिम बंगाल में पहले से लागू थी। बकाया स्टेट्स लाइक सिक्किम ने हाल ही में बोला कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे। कर्नाटका में भी बोले हैं कि हम जल्द ही से प्रारंभ कर देंगे, वहाँ भी कमेटी बनी है, एंड दे हैव आल्सो स्टडिंग अबाउट OPS। तो दोस्तों, टोटल ये मुद्दे हैं। जो आंध्रा मॉडल है पुरानी पेंशन में केवल फर्क कितना है, ये आंध्रा मॉडल में आपका जो रुपये कटता है 10% वो कटता रहेगा, और पेंशन आपको लास्ट विद्रॉन सैलरी पे जो 50% है वो मिलेगा। बकाया जो महंगाई भत्ता का पक है वही बाद में ऐड कर दिया गया है आफ्टर ए प्रोटेस्ट बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन इन आंध्र प्रदेश। दोस्तों देखिएगा, एक बात और है कि अभी हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव भेजा और बोला कि हम जो सैलरी है, जो हम मेन जो बेसिक वेतन रहता है, हम वो नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जो बकाया पक्ष हैं, जो बकाया भत्ते हैं, वो बढ़ा दिए जाएं, और जैसे कि महंगाई भत्ता है और भी तरह तरह के भत्ते हैं, वो सभी बेसिक सैलरी पे मिले, मूल वेतन पे मिले, लेकिन मूल वेतन ना बढ़ाया जाए। तो जिससे कि लास्ट में, मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आंध्रा मॉडल जैसा कोई अगर मॉडल सामने आता भी है तो जो पेंशन देना पड़ेगा, क्योंकि मूल वेतन का दिया जाता है, तो वो भी कम रहेगा। ये तीन मॉडल्स हैं ऑफ पेंशन। दोस्तों, कोई भी अपडेट होगी मैं लाता रहूँगा। बाद में फिलहाल ये अपडेट है, कुछ जगह पे अभी इलेक्शंस हैं, एंड जो प्रस्ताव है पुरानी पेंशन का, तो मैं भी कि अगले साल के कुछ महीने से पहले ही ये प्रस्ताव सबके सामने आ जाए, लेकिन क्या होता है देखने वाली बात रहेगी। दोस्तों, आप बताइए, जो ये बोला जाता है कि पुरानी पेंशन से राज्य की आर्थिक स्थिति पे बर्डन रहेगा, इस बात को इग्नोर कोई नहीं करता है, लेकिन एक तरफ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉई रहता है वो इतने साल सर्विस करने के बाद बेरोज़गार होता है, जब वो रिटायर हो रहा होता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन तब बहुत वीक हो जाती है, वीकेंड हो जाती है। तो क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? एक तरफ क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेड का अवसर दिया जाना चाहिए कि वो भी साइड में अपना बिजनेस कर पाएँ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, जो सबसे ज़्यादा तादाद है अभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, दे आर अभी यंग हैं, जो रिटायर हो रहे हैं तो पेंशन ले रहे हैं, तो जो यंग हैं क्या वो बाद में चल के बर्डन नहीं बनेंगे अगर वो अभी से अपने स्टार्टअप नहीं करते? तो क्या गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसीज चेंज करना होगा? क्या शुड गवर्नमेंट अलाउ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, इट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, टू ऑपरेट ट्रेडिंग और टू कम इन द डिजिटल और बिजनेस वर्ल्ड? क्योंकि अब डिजिटलाइजेशन हो गया है, रिमोट वर्किंग की भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दोस्तों, जो भी सोचते हैं आप बताइए। तीन मॉडल हैं बेसिकली, हाइब्रिड मॉडल जिसे गारंटीड पेंशन स्कीम बोलते हैं, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम भी बोलते हैं, दूसरा है OPS है, और NPS की मैं बात नहीं करता। NPS मतलब ही होता है नो पेंशन स्कीम, ये शेयर मार्केट में आपको रुपया जाता है, और
देन उसके मुताबिक आपको पेंशन मिलती हैं, जो कि उस वक्त के हिसाब से, महंगाई के हिसाब से मुझे लगता है कि सफिशेंट रहता होगा। दोस्तों जो भी होगा अपडेट्स मैं लाता रहूँगा, आप बताइए इसके बारे में। धन्यवाद।